नमस्कार, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत एंजाइम्स क्या होते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम्स अर्थात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। एंजाइम्स आर बोथ प्रोटीन्स एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, अर्थात एंजाइम प्रोटीन भी होते हैं और बायो कैटलिस्ट भी होते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज कर देते हैं और बिल्कुल कैटलिस्ट के समान कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ज़्यादातर एंजाइम में आप ये पाएंगे कि इनका जो नेम होता है उसमें पीछे की ओर AAC लगा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमाइलेज, ये एमाइलेज टाइलिन एंजाइम भी कहलाता है और ये हमारी सलाइवा से निकलता है और ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में और माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा एक एंजाइम है पेप्सिन, जो हमारे स्टोमक से निकलता है और एसिडिक मीडियम में ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, इस प्रकार प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अनदर एग्जांपल है माल्टेज, ये क्या करता है, माल्टोज जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रकार जो कॉम्प्लिकेटेड या हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ये चेंज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन जो करते हैं या जो रिडक्शन करते हैं उनके भी एंजाइम के नाम होते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो ये एंजाइम के कुछ एग्जांपल्स थे और एंजाइम की कुछ विशेषताएं भी होती है, अर्थात ये पर्टिकुलर पीएच में काम करेंगे या एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को जो है वो करता है, दूसरी रिएक्शन के लिए काम में नहीं आ सकता है, तो इसको हम की लॉक सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। तो इस प्रकार से जो एंजाइम होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और एंजाइम सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।